पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चिली के किनारे से समुद्र पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराग भी किया जाए, तब भी वो सुराग अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दुनिया में टोटल 5 ओशियन पाए जाते हैं। इन 5 ओशियंस में से सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड टोटल खुश्क हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशियन हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशियन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगल और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशियन में सिर्फ चंद आइलैंड हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलिशान समुद्र के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और इससे बड़ी बात ये है कि ये वो आइलैंड हैं जिनमें से ज्यादातर में किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशियन में गुम गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिन तक नहीं बल्कि पूरे 438 डेज तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुद्र में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोसे सल्वाडोर अल्वारे नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समुद्र में पूरे 438 डेज गुजारे और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समुद्र में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समुद्र में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा जूल में जोसे अल्वारेगा नाम का ये इंसान रहता था। जोसे उस वक्त 36 ईयर का था और ये एक एक्सपर्ट मछुआरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोसे अपने साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। उसका प्लान था कि वो समुद्र में सिर्फ 30 आवर्स गुजारेंगे। इसी वजह से उनकी छोटी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना ले जाकर जाने वाले जोसे को ये कहां मालूम था कि उसके अगले 438 डेज उसकी जिंदगी के बदतर दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुद्र में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर किनारे की तरफ भागे। पूरे 6 घंटे बोट को लगातार तेज भगाते हुए सुबह के 7 बजे वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव भी नजर आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू था और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछुआरे का खौफनाक ख्वाब होता है। वो अपने बॉस का जवाब का इंतजार करते करते अपनी रेडियो की बैटरी भी गवा चुके थे। इन दोनों मछुआरों का बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट खत्म हो चुका था। वो और उसका साथी उसी शोक में थे कि अचानक वो चीज हुई जिसका डर था। तेज हवाओं ने उनको समुद्र के अंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो किनारा उनको नजर आ रहा था वो धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशियन पर भी ढूंढा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।
क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, जोसे और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। उस हादसे को अभी 5 दिन गुजरे थे और हवाओं ने जोसे की बोट को किनारे से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उनको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता, ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी उन दोनों को अच्छी तरह पता चल चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम रह गया है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसीलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन पक्षियों को पकड़ना शुरू किया जो उनकी बोट पर आके बैठते थे या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र का खाना पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक की बोट में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोसे का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब उस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी अब कोई नहीं बचा था और वो चारों तरफ घिरे इस समुद्र में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जोसे पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में मौजूद था। ये दुनिया का खामोश हिस्सा माना जाता है, बल्कि यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं। मेक्सिको के किनारे को छोड़े जोसे को 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोसे ने अपने साथी को भी खो दिया था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गया था। एक दिन जोसे को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। वो पहली बार कोई शिप देख रहा था। ये देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापसी से जाग उठी। जोसे ने कार्गो शिप की तरफ हर तरीके से इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। 11 महीनों के बाद जोसे अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर चुका था और उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोसे पर मेहरबान हो गई। 30 जून 2014 को यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोसे ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ गया है जहां नारियल पेड़ों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं उससे मिस ना हो जाए, इसी वजह से वो पानी में कूद गया और वो स्विम करके आइलैंड में पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोसे ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा सा बीच हाउस दिखा जो वहां के लोकल्स का था। पिछले 438 डेज में जोसे का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन एटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोसे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11000 किलोमीटर दूर था। ये जोसे की किस्मत थी कि वो समुद्र में छोटे डॉट्स जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोसे से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर है। वहां से जोसे को उसके घर वापस भेजा गया जहां पहुंचते ही उसको एक और मुसीबत ने घेर लिया। जी हां, वापस पहुंचते ही जोसे ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोसे पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पे केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोसे के मुताबिक सुसाइड किया था
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।